गाइस मैं जा रही हूँ कि मेरे को ना राखी बांधनी थी वो जो भैया हैं जिनको आप जानते हो बहुत अच्छे से, जहाँ से मैं सूट बाय करती हूँ। और इन्होंने स्पेसिफिकली बुलाया है राखी बांधने के लिए? नहीं, और इसको 3 दिन के बाद होश आ रहा है कि जाना। मैं घर गई हुई थी और यार उन्होंने ना मेरे को मतलब जो मेरा नेग होता है वो पहले ही डाल दिया था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने बोला कि जब भी मैं आऊँगी तब राखी बांधूंगी, तो अभी जस्ट मैं जा रही हूँ। मुझे मैं यहाँ पे अभी आई तो मुझे मेरे जाने वाले मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत दूर से आए, जीन से आया स्पेशल मुझसे मिलने के लिए, है ना। एक घंटे से वेट कर रहे हैं और वो यहीं पे बैठे थे भाई दुकान पे। देखो भाई बोलो, ये रमन है और ये इनके चाचा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, सच में दिल से। बैठ जाओ और बाकी इनसे पूछते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कुछ मेरी तारीफ, क्योंकि ये तो करती नहीं तारीफ लाइक है नहीं भाई, ठीक है? रोज वोट रहे हो ओ गधी। कैसा लगा मुझसे मिलके? अच्छा भाई, इतने दूर से आए हैं जीन से, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो जीन इतनी दूर भी नहीं है पर दूर नहीं है फिर भी। हाँ मुझे काफी अच्छा सा लगा, थैंक यू। कैसी लगती है मेरी वीडियोस? बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और इन्होंने बोला सेल्फी लेने के लिए, तो अभी दीपिका सेल्फी ले रही है। ये अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी डेली स्नैप पे टेक्स्ट करते थे इनके आईडी यू विल से डेली टेक्स्ट करते थे मुझे। मतलब दिन में एक टेक्स्ट होता था इनका कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कहां पे आऊं, तक मैं बताओ मुझे। अब पता लगा कि ये ये मैसेज करते थे, पर कोई बात नहीं। बहुत नहीं काला भी सकते हैं इधर, चेक पे मारा करें ना, नु मारिए पहले मैं फिर जा मैं बताऊं भाई का हाथ पे देख देखूं अच्छा लगेगा। मैं साइन करने आमक नहीं है ना भाई, तो बहुत ऐसे लगा है, दिखता ही ना इस लोग बड़ा सा नाम लिखियो ना। पेन दे दे यो देखे गुचड़म पुचड़म हो गया। ये वर्षा का नाम है? नो पेन दे दे भाई, पेन नंबर मैं दूंगी ऑटोग्राफ पहले भी थर्ड तीसरी बार ये दे रही हूँ ऑटोग्राफ। ये वर्षा के गंदे से साइन हो गए। हम चलेंगे यहाँ, और कोई काम नहीं चलेगा यहाँ। बाबा की दया तला डले कति सारा सिमटा दिया बस न्यू सिमटा दिया नहीं समेट दिया नुए चल लगा बाबा की दया। बाबू यहाँ कितना सब कुछ खाना कंपलसरी है ना, बोले लाइक करो नहीं मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा रहे वीडियो को शेयर करें, सस्ते सस्ते सूट लेने हो तो। ये बड़े भैया और मैं बड़ी बहन दादी है उसकी मारी और दादी है। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। बेबे लड़ ले नू ना जानिए लाइट पे ना ले सिस्टा भाई, आप भी ऊपर देख सकती हैं दीदी। आप देख सकती हैं बेबे, देखिए आज कई दिन हमारा की बांध देना बोले कि दिया मत हमारे पास सिंदूर सूखे चावल है भाई। लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उनको बाय बोल के आ गए थे, हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बहुत सारी बातें करी हमने। और अभी मैं आई हूँ जहाँ से मैं जींस लेती हूँ, सो अभी मैं जींस उठाने आई थी, सो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और अभी बस वो पानी लेने गए हैं, बहुत थक के आए हैं। मेरे ऐसे लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वाली चप्पल खानी है और मेरे पैर कट रहे हैं इससे। हाय तो गाइस, मैंने ये वाली जींस सिलेक्ट करी है और अभी अपर भी देखूंगी मैं, तो अपर तो देखिए बाकी सुंदर लग रही है। जब मैं पहन के वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे मैं आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। और जितना भी मतलब ऐसे मैं कोलैब वगैरह करती हूँ वो सारी ट्रस्टेड होती है,
आप वहाँ से बाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। सो अभी मैं अपर डिसाइड कर रही हूँ, चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई थी और अभी बस मैं आके कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से एसी के सामने ऐसे मुंह फैला के ऐसे बैठी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगे थी यार बाहर। मैंने एकदम एसी में आना, फिर गर्मी में जाना, फिर एसी में आना, तो मतलब उससे मेरे थोड़ा सर में दर्द हो गया है। और फिलहाल चीनू खावा है मिठाई, जो कि आज मैं उस खातिर लेके आई। और बस अभी मैं सोच रही हूँ, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर मैं लेट उठूंगी, तो अभी मैं नहीं सो रही हूँ। और हाँ, आज भाई मुझसे मिलने एक मेरा फ़ैन आया था, जो कि मैंने ना यार बहुत अच्छा लगा कि वो बंदा मेरे लिए मतलब जीन से आया है। देखो पहली बात तो ना पता क्या है, इतनी दूर नहीं है जीन तेरह तक, बट उसके एफर्ट्स मतलब ऐसे लगे कि भाई वो स्पेशल मेरे से मिलने खातिर यहाँ पे ऐसे आया। वो भी मतलब उसने उस भाई और के पास मैसेज कर रखे थे, काफ़ी टाइम से मैसेज करा था कि भाई मेरे से एक बार मिलवा दो ऑटोग्राफ चाहिए है, तो मतलब ऐसे करके उन्होंने फिर बोला कि चल ठीक है, जब वो आएगी तो बता देंगे। तो पहले मेरे से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैं क्या ठीक है यार मिल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहीं शॉप पे मतलब कितने बजे आया था, वो एक डेढ़ घंटे से वहाँ पे वेट कर रहा था। मैं क्या यार कोई बंदा मुझे अगर मैं दिल से बताऊं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और वो इस व्लॉग को देख रहा है तो थैंक यू कि इतनी दूर से मेरे लिए स्पेशल मेरे से मिलने के लिए, मेरे से ऑटोग्राफ लेने के लिए आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी मेरे को कल जाना है बाहर, तो अभी मेरे को पैकिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग जाऊँ या फिर नाइट में जाऊँ। और जो हमारा प्लान था वो नाइट का ही बना, पर अभी मेरे को थोड़ा सा ना डाउट सा हो रहा है, मैं क्या यार सुबह निकल जाते, वो अभी मैं इनसे डिस्कस करूँगी फिर मैं जाऊँगी, और जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, एक मिनट चुप कर ले, प्लीज़ चुप कर ले, मैं तेरा भाठा मारूँगी ठाक है। तो सॉरी मेरे मुँह तले कट गया, मतलब चश्मा, हाँ जो भी। तो चुप, तो मैं लास्ट टाइम गई थी सोलो ट्रिप पे, ठीक है, तो मैं बस उसी को कंप्लीट करने जाऊंगी, उसको मैं कंप्लीट करने जाऊंगी, लेकिन मैं सोलो नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चीनू जाएगा यार, हर बार जाता है वो मेरे साथ, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो मेरे साथ नहीं जा पाया था, वरना हर जगह वो मेरे साथ जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं आवारागर्दी करती हुई घूमती हूँ, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि भाई इनकी फैमिली ने इससे इतनी छूट दे दी कि यार नू घूमे, तो पहली चीज़ बता दूँ, मेरी फैमिली के बिना मैं इन्न नहीं जानती, उन तब बताऊँ हूँ, मतलब चाहे मैंने कितने जाना हो, अगर मैं बाहर भी कितने जाऊँ ना, तो हमारे घर वाला ने बेरा हो कि मैं हार जाऊँ और यो करूँ, और मैं किसके साथ जाऊँ और किसके साथ नहीं जाती, उनको सब पता है। तो प्लीज़ अपना यो जो ज्ञान पत्र अपने धोर तक रखा करो, कितने भी नहीं जाया करूँ, वो मेरे साथ हर जगह जाया करें चाहे मैं कितने भी जाऊँ। और बस यही मेरा आज का संदेश था, और अभी मैं बस खुश हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरे को हंसी भी आ रही है, बस हे भगवान मुझे नज़र ना लगे मैं ऐसी हंसती खेलती रहूँ। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ हुआ तो करूँगी, पता नहीं क्या करूँगी, जो भी होगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी। आओ मेरा स्टैंड गिर गया था। तो जो भी होगा मैं दिखाऊँगी। सो चलो तब तक के लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मस्त आराम से शांति से हवा ले लूँ पढ़ के, और इसका भी थोड़ा दिमाग खा लूँ। तब बता दूँ मैंने क्या करा था आज, मतलब जो भी शेड्यूल था मेरा, मैं बाहर गई मार्केट में, वो सारा ही रिश्ते बताऊंगी, डिफाइन करूंगी नुनू आया ये वो, तो यार मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं इससे सारी बात बताया करूँ, ठीक है। तो चलो एक बार अपना ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लूँ, इसका दिमाग खा लूँ थोड़ा। हरी हो देखो कुकर खाण लग रहा है, मैं दिखा नहीं सकती, दिखा देती वरना यहीं फिक्स है बस। चलो बाय बाय। तो गाइस टाइम हो चुका है अपना इतना हो चुका है, देखो टाइम हो चुका है इतना, और मैं लाइट यू करके ना दिखाऊँ, क्योंकि सारी लाइट ऑफ है, बस एक लाइट ऑन है, क्योंकि मैं एक झपकी ले चुकी थी थोड़ी सी, बस ऐसे ही। तो मेरा कुछ ज़्यादा मूड था नहीं कि भाई कपड़े वपड़े पैक करने का, मैं सोचा यार अब कल ही करूँगी, मैं ऊपर से थक गई थी यार, मार्केट में जा रही थी, घड़ी घूम ली थी, तो बस अब नहीं, मैं कुरकुरे खाने लग रही थी साथ साथ में, और बस अपना वीडियो एक तो एडिट करूँ थी, और बस यही फ़ोन चलाऊँ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और थोड़ा सा मैं एक्टिव रहूँगी, जो कि मैं नहीं हो पा रही हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और बस ऐसे ही बस थोड़ा सा कहीं और बिजी चल रही हूँ।
सो उस चक्कर में मैं नहीं हो पा रही हूँ कंटिन्यू। सो अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, वो तो आपको पता है, ये ऑब्वियसली मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस व्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ, बाकी हम कल अच्छा सा व्लॉग कराएंगे मस्त। अब 3-4 दिन व्लॉग कंटिन्यू आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है ना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।